प्रश्न है, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्म वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? इसका पहला महत्व है, ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तंत्रिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। इसका दूसरा महत्व है, उन प्रतिजीविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है? इसका उत्तर है तपेदिक। अगला प्रश्न है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है क्षय रोग। अगला प्रश्न है, तपेदिक किसकी बीमारी है? इसका उत्तर है फेफड़े की। अगला प्रश्न है, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं कि परीक्षण हेतु कौन सा विशिष्ट परीक्षण किया जाता है? इसका उत्तर है मेंटॉक्स का परीक्षण। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वह रोग कौन सा है? इसका उत्तर है क्षय रोग। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर है यक्ष्मा जिसे टीबी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बीसीजी की वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है क्षय रोग। अगला प्रश्न है, वैसिलस कॉलमेट क्यूरिन वैक्सीन जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीसीजी कहते हैं, किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाने वाला टीका है? तो इसका उत्तर है तपेदिक। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? इसका उत्तर है जन्म के तुरंत बाद। अगला प्रश्न है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है क्षय रोग। अगला प्रश्न है, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 24 मार्च को। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं।